मामला शिवपुरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा का है, जहां शनिवार की रात 10 बजे मीडिया टीम ने बड़ौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर व्यवस्था देखी तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ना तो कोई डॉक्टर ही मिला ना कोई नर्सिंग स्टाफ ही नजर आया। मात्र दो व्यक्ति केंद्र पर उपस्थित मिले जो कभी तो अपने आप को गार्ड बता रहे थे तो कभी वार्ड बॉय। उन्हें खुद ही नहीं पता कि केंद्र पर वो किस पद पर पदस्थ हैं। ऐसे में गैर जिम्मेदारों के हवाले दिखाई दिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जनरल वार्ड में मरीज तो नहीं दिखाई दिए मगर कुत्ते बेड पर आराम फरमाते जरूर दिखाई दिए। वहीं मैटरनिटी वार्ड में महिला मरीजों को देख रेख को लेकर कोई नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं दिखाई दिया। जहां भर्ती प्रसूता सोनम के परिजनों ने बताया कि शनिवार के दिन 10 बजे बगलदा निवासी सोनम को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन प्रसव कराने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा पहुंचे, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर तो मिले नहीं, तब नर्सों ने डॉक्टर के इंतजार में प्रसूता को दिन के 2 बजे तक रोके रखा था। जब 2 बजे तक डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे तो दिन के 2 बजे अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही छुपने को लेकर बच्चा उल्टा होने की बात कहते हुए नर्सिंग स्टाफ ने प्रसव पीड़ा के दौर से गुजर रही महिला सोनम को शिवपुर रेफर कर दिया, जहां प्रसव पीड़ा को न तो बलगदा से बड़ौदा आने पर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध हो सकी, न ही बड़ौदा से शिवपुर रेफर किए जाने पर ही 108 एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई। ऐसे में परिजन प्राइवेट गाड़ी पर प्रसव पीड़िता को बड़ौदा से शिवपुर के लिए रवाना हुए, जो बड़ौदा से रवाना होने पर चंद्रपुरा पर सोनम की नॉर्मल डिलीवरी हो गई। आप स्टाफ नर्स की पोस्ट पे, अभी आप कह रहे थे कि बार्ड बॉय हैं आप, ये बता रहे थे कि बार्ड बॉय हैं आप। ये स्टाफ नर्स की, सर मैं स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हूँ, ये अभी क्या है, दिन में दिन नाम है आपका? हुसैन बानो। हुसैन बानो, हुसैन बानो कहाँ से आई हैं भाई आप? बागलदे से। किसको लेकर के आई थी? बहू को लेकर। क्या परेशानी थी? परेशानी डिलीवरी के मारे लाए थे। कब लेकर आए थे आप? अब आज ही लेकर आए थे। कितने टाइम लेकर आए थे? 10-11 बजे। हाँ दिन के, हाँ 10-11 बजे दिन के 10-11 बजे लेकर आए थे। क्या स्थिति थी बच्ची की, अब क्या स्थिति है, क्या मामला हुआ था? बच्ची तो डिलीवरी के लाके लाए थे। फिर यहाँ किसी ने देखा? देखा भाई थे नर्सा, नर्सों ने देखा। हाँ। का क्या कहा नर्सों ने? मैंने कहा अल्लाह के अनु सोना ग्राफी लाओ जी, मैंने वो तो सोना ग्राफी पीआर में रहेगी, अब की तो पहले की है सोना ग्राफी, तो वो सोना ग्राफी लाओ जल्दी लाओ बताओ। मैंने कहा ना यहाँ नहीं है, तो फिर कहने लगी कि यहाँ नहीं है, तो तम क्या कहें सुपर ले जाओ। ठीक है, मैंने कहा ना तम यहाँ डर ले ली, क्या जो भी कुछ लगता हुए जो लगाओ पर इसकी डिलीवरी करा दो। ना यहाँ कुछ ही व्यवस्था नहीं है, एक बच्चे के मुँह में पानी वानी भर जाए गंदा तो खतरा हो सके। ठीक है जो यहाँ वहीं ले जाओ सुपर। फिर आप शिवपुर ले गए यहाँ से? सुपर ले गए, वो गाड़ी की फ़ोन करा जो वहाँ से बागरदे से भी नहीं मिली गाड़ी, अब फिर यहाँ करी तो यहाँ भी गाड़ी नहीं मिली। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं आई, एम्बुलेंस यहाँ भी नहीं मिली, बगलदा भी नहीं मिली। ठीक है, नहीं पहुँची। ठीक है, फिर वहाँ से तो मोटरसाइकिल से लाए, फिर यहाँ से 1000-1200 दे के अब फिर गए थे। फिर क्या हुआ रास्ते में? जीप करी जो है ना, ज्यादा ज्यादा यहीं दर्द हो रहे थे, वो तो वहाँ जाते जाते यार रास्ते में बच्चा हो गया। हाँ। बच्चा ठीक है अब? कांध रहा बच्चा तो गया, झपका था बच्चा गया, यानी बच्चे की मौत होगी, कहने का मतलब मौत होगी बच्चे। फिर आप यहाँ वापस लेकर आए बच्चे? आई इनके देख लेंगे, देखा क्या हुआ, गोली दवाई दे देंगे तो दिखा ले जाऊंगी। तो अभी तक कोई डॉक्टर ने देखा इसको आके? डॉक्टर तो नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया अभी तक। डॉक्टर नहीं आने, कितने बजे आ गए थे आप यहाँ पे? कितने बजे आ गए थे? 4 बजे करीबन आप यहाँ आ गए थे। तो 4 बजे से 10:30 बज रहे हैं, अभी तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया? डॉक्टर तो नहीं आया, डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाए, नर्स ने 2 इंजेक्शन लगाए और गोलियां दी। अच्छा, नर्स ने लगा, जो गलत बात नहीं, आपको जो हुआ वही बताइए आप। नर्स ने 2 इंजेक्शन लगाए। ठीक, मैं उधर क्या देख रहे हो बताओ ना, किस पोस्ट पे हो? मैं वार्ड बॉय में हूँ। वार्ड बॉय हो, अभी आप कह रहे थे कि मैं गार्ड हूँ। अरे सर मेरी नई जॉइनिंग लगी अभी। तो पहले गार्ड थे आप? मैं गार्ड नहीं हूँ, मैं लांग आ जाऊँ गार्ड में नहीं, मैं देख रहा हूँ। नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि साहब मैं गार्ड हूँ, तो आप गार्ड हैं या वार्ड बॉय हैं, क्या है? सो रहा हूँ मैं यहाँ पे, सो रहा हूँ। तो इन्होंने सर ने ड्यूटी लगा रखी है ना सोने की यहाँ पे। अच्छा, सोने की ड्यूटी लगा रखी है आपकी नाइट में। हाँ। तो फिर आप गाड़ी हो ना? हाँ, गाड़ी हो ना। हाँ। तो आप तो कह रहे हो अभी के बाद वही हूँ मैं। नहीं, वार्ड बॉय में ड्यूटी मेरी, सर ने ड्यूटी लगा रखी यहाँ पे सोने की भी, नाइट ड्यूटी मेरी। अच्छा, वैसे आप बार्ड बॉय हैं लेकिन सर ने आपको गार्ड की ड्यूटी लगा दे दी है यहाँ रात को सोने की, देख रेख करने की। तो इस वक्त बार्ड बॉय कौन है यहाँ पे? विष्णु भैया, आप आ जाओ।
आपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो विषय कराल का या बड़ौदा का जो अव्यवस्था बताई और जवाबदारी जिनकी तय थी वो जवाबदारी के समय वह नहीं थे, ये संज्ञान में लाए इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये निश्चित समझने में और देखने में आ रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी लचर होती जा रही है। जिन स्वास्थ्य चिकित्सक को हेडक्वार्टर पर रहना चाहिए वो वहाँ न रहकर जिला हेडक्वार्टर से रेगुलर आना जाना बनाते हैं, तो समय भी वो पूरा नहीं दे पाते। और आपने पर्टिकुलर कराल का जो जिक्र किया, नसबंदी शिविर में जिनको बुलाया गया और वहाँ कोई चिकित्सक नहीं था, ये बहुत देखने लायक विषय। मैं जिला CMHO से, स्वास्थ्य अधिकारी से बात करूँगा, जिला प्रशासन कलेक्टर से भी बात करूँगा।